हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, फाइनली हमने बायोलॉजी के नोट्स जो हैं आपके लिए कंपाइल कर दिए हैं पूरे के पूरे, और ये कंपाइलेशन जो है सबसे ज़्यादा पेजेस में हुई है। जैसे आपको पता है, हमारे फिजिक्स के नोट्स जो हैं हमने 10 पेजेस में कवर किए थे, केमिस्ट्री के नोट्स जो हैं वो 12 पेजेस में कवर किए थे, और बायोलॉजी के नोट्स जो हैं वो आपके 19 पेजेस में कवर हुए हैं। सबसे अच्छी खास बात जो है इन तीनों नोट्स के बारे में ये है, आपका बहुत सारा टाइम दोस्तों बचेगा। जैसे कि मैम ने आपको बताया था कि आपको 8वीं, 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी जो है पढ़नी है। ये तीन एनसीईआरटी जो हैं ऑलमोस्ट आप अगर देखोगे 250 पेजेस के अराउंड, एक अगर आप एनसीईआरटी लेके चलते हो तो आपकी 750 पेज कम से कम उसमें बनेंगे, ठीक है। और 750 पेज को पढ़ने के लिए आपको कम से कम, मिनिमम में अगर बात करूँ तो आपको 15 दिन का टाइम एटलीस्ट चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे नोट्स जो हैं आपको टोटल अगर मैं बात करूँ तो 19 + 10 + 12, ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये जो है आपके 40, 43, 44 के आसपास जो है पेज बनेंगे। लेकिन आप ढंग से अगर इनको देखोगे, क्योंकि काफ़ी स्पेस जो है इन पेजेस के बीच में प्रोवाइड किया गया है, अगर आप सही से देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 to 40 पेजेस तक के बीच में आपके टोटल जो है कंपाइलेशन पड़ेगी। और आप फिजिक्स के पीडीएफ को आप एक दिन में पढ़ सकते हो, केमिस्ट्री के पीडीएफ को भी आप एक दिन में पढ़ सकते हो, बायोलॉजी में आपका जो अगर आप पहली बार जब आप पढ़ोगे तो आपको 1.5 से 2 दिन तक आपको लगेंगे। मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको, ये पूरे HD में रहेंगे, आप कितना भी इसमें जूम कर लीजिए आपको कोई पिक्सल वगैरह इसमें कम नहीं होंगे, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है, फुल HD में ये 300% मैंने जूम इसमें कर दिया है, तो आप देख सकते हैं फुल HD में आपके नोट्स रहेंगे, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ पूरे के पूरे नोट्स किस तरह के आपके रहेंगे। इसमें सारी चीज़ें हमने कवर की हैं, ठीक है, प्लांट से लेके एनिमल तक जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आते हैं वो सभी के सभी जो है हमने इसमें कवर किए हैं। उसके बाद इसमें देखिए विद डायग्राम्स आपको बहुत सारे जगह जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन इस तरह के नोट्स आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसकी हमारे नोट्स की खास बात मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे दोस्तों, बहुत सारी इमेजेस ऐसी हैं जो हमने इसमें डाली है, ठीक है। जैसे कोई फॉर्मूला है फोटोसिंथेसिस का, आपको फॉर्मूला है, या फिर किस तरह से जो है प्रोसेस काम करती है, ठीक है, रेस्पिरेशन किस तरह से प्लांट्स में होती है, ये सब चीज़ें जो है हमने इमेज के उसमें डाली ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रहे, ठीक है। कंपैरिजन किया है आपका CDS और CAPF एग्जामिनेशन में, दोनों में एक क्वेश्चन ये आ चुका है जाइलम और फिलोम के ऊपर कि कौन सा जो है क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स में, ठीक है, तो इसके ऊपर है। उसके बाद आप देख सकते हैं, वन सेकेंड, ऑलमोस्ट जो है सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं जितनी भी आपकी हैं, ठीक है। और जो आपकी चीज़ें NCERT में भी नहीं मिलेंगी 10वीं तक, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास में जो NCERT में आपको नहीं मिलेगा वो भी चीज़ें इसमें हमने कवर करने की कोशिश की है विद डायग्राम। अब जैसे जब भी आप NCERT पढ़ेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ब्रेन का अगर चैप्टर आप कोई पढ़ते हैं, ब्रेन का टॉपिक पर्टिकुलर, जब तक आपको डायग्राम का नहीं पता होगा, ठीक है, फ्रंटल लोब क्या होता है, सेरेब्रम क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, आप जब तक डायग्राम नहीं देखोगे तो आपको कैसे पता चलेगा, ठीक है, मिड ब्रेन क्या होता है, थैलेमस क्या चीज़ होती है। डायरेक्ट आप उस चीज़ को रटोगे तो रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, डायग्राम से अच्छे से देख के आप पढ़िए इसमें, ठीक है। उसके बाद आई का है, ईयर का है, उसके बाद एक क्वेश्चन ये आ चुका है CAPF एग्जामिनेशन में आपके, मायोपिया है, उसके लिए कौन सा लेंस जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, डिफेक्ट वगैरह में हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा किया जाता है, ईयर के बारे में इसमें दिया गया है, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सब के सब हमने कवर किया है। उसके बाद आपके एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर अलग अलग ग्लैंड्स होती हैं, उनके जो हैं फंक्शन पूछे जाते हैं, क्या क्या इफेक्ट होता है, जैसे इसमें पीनियल ग्लैंड है, थाइमस है, पेनक्रियास है, ओवरीज हैं, टेस्टिस है, एड्रेनल ग्लैंड है, तो डायग्राम में आपको साफ समझ में आ जाएगा। जैसे आप जूम इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको, ये देखिए इसमें मैंने 120% जूम किया है, तो इसमें साफ साफ आपको नजर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो कंप्लीट नोट्स हैं ये जो पूरे आपको 19 पेजेस में है। अब इसमें आपको दिखा देना चाहता हूँ, बस स्पेस दिखाता हूँ मैं आपको शुरू में कितना आपको मिलेगा इसमें, ठीक है, वन सेकेंड, ये देखिए पहले पेज में जो है ये आपको स्पेस दिखना शुरू हो जाएगा, पहले 2-3 पेजों में कम स्पेस है। यहाँ पे आप एडिशनल नोट्स अगर कोई आपको मिलते हैं, कोई पॉइंट्स आपको मिलते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। देन आपका ये वाला पेज, जैसे यहाँ पे आधा पेज ऑलमोस्ट 30% यहाँ पे खाली रहेगा, ठीक है, खाली है मतलब, उसके बाद नीचे इसमें खाली है, इधर यहाँ पे आपका ये जगह खाली है, देन आपका ये वाला यहाँ पे आधा पेज खाली है, ठीक है, 25% के आसपास, ये वाला इधर से नीचे से खाली है, तो जगह जो है छोड़ी गई है आपके पेजों में ताकि आप एडिशनल कोई पॉइंट अगर नोट करना चाहें तो वो भी हम नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के बेसिकली ये पूरे के पूरे नोट्स रहेंगे आपके। उसके बाद अलग अलग टाइप की जो डिजीज़ होती हैं आपकी, उसके बेस पे कौन कौन से, जैसे वायरस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग फील्ड, जैसे टैक्सोनॉमी क्या, किस चीज़ की स्टडी होती है, ठीक है, उसके बाद पैथोलॉजी क्या होता है, ये सब इसमें दिया गया है। और पूरे पेज, पूरे नोट्स जो है 19 पेजेस में कवर किए हैं, ठीक है।
अब एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, इन नोट्स के ऊपर हमें बनाने में, देखिए हमने सारा का सारा कंटेंट जो है ये आपके लिए ही तैयार किया है, हमें कोई नहीं पड़ी है कि हमें नोट्स आपको प्रोवाइड करें, अगर हम चाहें तो नहीं भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को जो है जनरली इनकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी टाइम आपके पास नहीं है एग्जामिनेशन में, इतना 4 महीने का टाइम बचा है, तो NCERTs में आप टाइम बचा के आपका 4 महीने का प्लान भी जो है मैं बहुत जल्दी जो है बना के अपलोड हम कर देंगे, ठीक है। तो अपना साइंस पे जो आपका टाइम लगने वाला है, ठीक है, वो टाइम आप बचा के अपना आप ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री, इन तीन चीज़ों के दीजिए, डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और जो लोग ये बोलते हैं कि आप हर चीज़ जो है प्राइज़ में प्रोवाइड करते हैं, हर चीज़ की आप पोस्ट हमसे ले रहे हैं, तो डेफिनेटली देखिए अगर हम आपके लिए काम करें, कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली उसको आपको पोस्ट आपको उसकी देनी पड़ेगी, ठीक है। और प्लीज़ जो भी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो देखिए उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक इतने अच्छे मटेरियल के अगर लिए आप 50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ खर्चने में अगर आपको दिक्कत हो तो डेफिनेटली आपको जो है सोचना चाहिए इस बारे में। फिर आप डेफिनेटली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप जो है NCERT ही पढ़िए, उसी से आपका जो है पेपर जो है आएगा, ठीक है ना, तो वो आप पढ़ लीजिए। बाकी इन नोट्स में जो है मैं बता रहा हूँ हर एक चीज़ हमने कवर किया, हर एक एस्पेक्ट इसमें कवर किया गया है, और इससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा CAPF एग्जामिनेशन में या फिर CDS एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इसका लिंक जो है मैं वीडियो के नीचे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप जाके परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।